मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम है, बट अपन लोग इसकी सीरीज से एक बार स्टार्ट कर देंगे, देन सब कुछ पता चलता जाएगा खुद ब खुद। थोड़ा बहुत मालूम है, बस मुझे इतना मालूम है कि गेम ओपन वर्ल्ड होने वाला है, इसमें बहुत क्रेजी क्रेजी मिशन रहने वाले हैं। सो सबसे पहले गेम में चलते हैं और सब कुछ तुम्हें मैं बता देता है जितना कुछ मुझे मालूम है। सो लेट्स गो गाइस, चलते गेम में। देन गाइस अपन लोग फिलहाल के लिए गेम में आ चुके हैं, बट अपन सबसे पहले गेम को न्यू गेम कर देते हैं, ओके, क्योंकि न्यू गेम ही खेलना पड़ेगा, अभी अभी तो डाउनलोड किया है। तो एक सेकेंड गाइस, लोडिंग बहुत गंदा वाला ले रहा है यार ये, ऐसा लोडिंग होना चाहिए था, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे स्क्रीन ही ब्लैक ब्लैक हो गया, वेट किया। ओके लेट्स गो गाइस, फिलहाल के लिए अपन का गेम स्टार्ट हो चुका है और सामने की साइड एक तो गाड़ी जा रही है, पता नहीं इसका क्या सीन है। ओके इतना मुझे मालूम है कि इस बंदे का नाम जैक्सन है, जैक्सन पता नहीं जैक्सन है कि जैसन है, कुछ तो है इसका नाम। और इसके ऊपर जो जो जैसन है ये अपना कैरेक्टर रहने वाला है जिसे कि अपन को प्ले करना पड़ेगा। ओके फिलहाल के लिए जितना मुझे दिख रहा है मुझे लगता है इसके पीछे कुछ पुलिस वगैरह पड़ी हुई है, वो मुझे थोड़ा बहुत मालूम है कि क्यों पड़ी है। जब वो वाला सीन आएगा तो मैं वो भी मैं बता दूंगा कि इसके पीछे पुलिस क्यों पड़ी है। ओके फिलहाल के लिए इसने तो अपनी गाड़ी मोड़ ली। ओ गाइस जे सिटी रहने वाली है गैंगस्टर वेगस, जो कि बहुत तगड़ी है, जिसमें कि जैसन आया हुआ है, अपना कैरेक्टर आया हुआ है, अपन लोग इट मीन्स कि आए हैं वेगस सिटी में। ओके फिलहाल दोबारा से ब्लैक ब्लैक हो चुका है, पता नहीं क्यों बट ब्लैक स्क्रीन आ चुकी है। ओके दिस अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ, हियर हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ कि यू कैन विन एम ऑल। ओके देन गाइस ये अपन लोग बताने वाला, अपन तुम्हें पूरी पूरी स्टोरी जितनी मुझे मालूम है उतनी तुम्हें मैं बताऊंगा, बट ज्यादा कुछ नहीं मालूम। सो सबसे पहले ना प्ले कर लेते हैं, इसके तो मैं बताता हूं। ओके सिस्टम सेकंड, पहले इसकी दज्जी उड़ा देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस गोंचू से बच्चे से मैं हार जाऊं। ओके बट ये दोबारा से ब्लैक स्क्रीन आ गई, पता नहीं क्यों भाई यार, बहुत ज़्यादा गंदी वाली गेम लोडिंग ले रही है। तो तुम्हें अभी ये जो सीन हुआ ना अपने साथ, ये तुम्हें सारा का सारा समझा देता मैं। इसमें सीन कुछ ऐसा था कि जो अपन का करेक्टर था ना जैक्सन, वो गैंगस्टर वेगस नाम की सिटी में आया हुआ था, और जिससे अपनी फाइट हो रही थी ना वो फ्रैंक का बंदा था। फ्रैंक तुम्हें मैं बता दूं कि फ्रैंक कौन है, फ्रैंक वो है, फ्रैंक जो है यार मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, तुम्हें बताऊं ना, फ्रैंक है ना जो गैंगस्टर वेगस सिटी का डॉन है, तगड़ा वाला, पूरी की पूरी गैंगस्टर वेगस सिटी है ना जो पूरी की पूरी उसके अंडर ही चलती है, ऐसा कुछ सीन है। ओके बट अपन ने फ्रैंक ने अपन को बोला था कि तुम मेरे बंदे से हार जाओ, बट अपन तुम देख लिया अपन उससे नहीं आ रहे और दोबारा से अपनी फाइट होने वाली है। सबसे पहले तो इसकी धक्कियां दोबारा से उड़ा देते हैं क्योंकि ये सेकंड वाला राउंड रहने वाला है। ओके ओके गाइस फिलहाल अपन ने ना फ्रैंक के बंदे को हरा दिया है, अभी जो कुछ होने वाला है वो तुम्हें सब कुछ बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि तुम्हें सही से समझ आ जाए। ओके ये अपन को अभी ना फ्रैंक ने बुलाया, ये अपन को मुझे इतना मालूम है यही बोलेगा कि तूने मेरे बंदे को क्यों हराया, क्यों हराया और क्यों हराया, अभी अपन ने हरा दिया तो क्या बोले भाई। ओके देन अपन की फ्रैंक से बात हो चुकी है यार, अभी फाइट चल रही है अपन की फ्रैंक के बंदे से, मैं बताऊं तो। ओके जैसन, जैसन नाम रहने वाला है, सॉरी मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया, जैक्सन नहीं जैसन रहने वाला है अपने करैक्टर का नाम। ओके फिलहाल अभी तुम्हें मैं बता दूं कि अपन का करैक्टर भाग क्यों रहा है इधर से, क्योंकि फ्रैंक ने अपने पीछे बंदे लगा दे, अपने पूरे के पूरे बंदे, देखो हमारे ऊपर फायरिंग चल रही है, फ्रैंक ने अपने ऊपर बंदे इसलिए लगाए क्योंकि अपन ने उसके बंदे को हरा दिया है। अभी बहुत गंदी वाली दिक्कत रहने वाली है, सबसे पहले तो इधर से निकलते हैं। अभी जैसन पता है किसको कॉल कर रहा है, जैसन कॉल कर रहा है एक वीरा नाम की लड़की को। ओके वीरा को एक सेकंड, इनकी बात वगैरह होने दो, फिर तो मैं सब कुछ, यू डोंट नो मी बट आई एम जेसन मलोन, आई एम पॉल ओरायलीज कजिन एंड ही, देखिए तुम्हें बताऊं ना मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है।
ओके लिटरली गाइस इसकी बात वीरा से ही हो रही है हमारे ही I'm in trouble. Talk to me, sugar. What's the matter? Frank! You talking about Frank Belliano? जो अपन के ऊपर फायरिंग कर रहा है ना वो लिटरली बताऊं ना तुम्हें ये फ्रैंक के बंदे रहने वाले हैं और फ्रैंक के साथ पुलिस भी मिली है पुलिस भी आगे चल के अपने ऊपर बहुत गंदी वाली फायरिंग करने वाली है अपने पीछे लगेगी अपन को पकड़ने के लिए पूरा का पूरा ट्राई करेंगे जो कुछ भी हो जाए ये पूरा का पूरा ट्राई करेंगे अपन को कुछ भी करके ये लोग अपन को पकड़ेंगे बट अपन पकड़े जाने वाले नहीं है फिलहाल अपन की गाड़ी इधर पलट चुकी है और इधर ये फ्रैंक का बंदा है अपन को शूट करने वाला है गाइस बट एग्जैक्ट टाइम पे अगर तुम्हें बताऊं तो ये अपने सामने आ गई है वीरा जो कि अपन को भी बचाने के लिए आई है ये वीरा नहीं है अगर तुम्हें मैं बताऊं तो ये वीरा की असिस्टेंट है ओके लिटरली गाइस ये वीरा की असिस्टेंट है जिसका नाम कैरन रहने वाला है इसको वीरा ने भेजा है देन अपन को ये सबसे पहले तो निकाल भाई इधर से देन अपन लोग फिलहाल के लिए गाड़ी में बैठ चुके हैं अभी अपन जा रहे हैं वीरा के पास मुझे लगता है ये कैरन अपन को लेके जाएगी ओके गाइस जितना मैंने तुम्हें बोला था ना पुलिस अपने ऊपर फायरिंग करेगी बट अभी पुलिस आई नहीं है अभी अपन भी फायरिंग करेंगे इसके धज्जियाँ उड़ाने वाले अपन लोग देखते जाओ क्या आने वाला है भाई तो गाड़ी तो टूट गई क्या टूट गई मुझे मुझे लगा पुलिस टूट है बट ये और आ गए क्या और इसको मारने का कोई फायदा नहीं है ये पीछे रह गया और ये क्योंकि आगे कोई गाड़ी ना मिले अपन को ओके कोई नहीं है पुलिस जैसा तुम्हें मैंने बोला था ना पुलिस अपने पीछे लग चुकी है गाइस बहुत बड़ी दिक्कत भी होने वाली है सबसे पहले इनको ना मारता होगा ओके गाइस अपन ने गाड़ी को तो उठा दिया दोबारा से माय नेम इज कर ये अपन को बता रही है माय नेम इज कैरन भाई मेरे को मालूम पड़ गया यार तेरा नाम कह रहे हैं ओके अब दोबारा से पुलिस की भाई सच्ची में पुलिस पूरी की पूरी गैंगस्टर वैसी ना फ्रैंक के अंडर ही चलती है बट अपन ने भी कोई कच्ची गोलियां निकली यही कुछ करते हैं अपन लोग भी ओके भाई ये छूट नहीं हो पा रहे भाई पुलिस वालों की बड़ी गाड़ी जा रही है ओके भाई जी तो बहुत गंदा वाला सीन हो रखा है एक बार अपन को ना इधर गैंगस्टर वगैरह सिटी से थोड़ा सा बाहर निकलना है क्योंकि जो वीरा रहती है ना वो सिटी से बाहर रहती है तो कह रहे हैं अपन को वो भाई सामने की साइड गाड़ियां हैं ओके इनको उड़ा देते हैं सबसे पहले ओके रास्ता फिलहाल के लिए साफ हो चुका है ओके बट अपनी गाड़ी फूटने वाली है मुझे लगता है हेलीकॉप्टर वगैरह भी अपने पीछे लग चुके हैं वो गाइस इनको मैं शूट नहीं कर पाऊंगा जैसा मुझे लग रहा है बट ट्राई करेंगे पूरा का पूरा सेकंड एम लॉक करके इसके एकदम बट नहीं गाइस नहीं हो पाएगा जी बट अपन गाड़ी को तो उड़ा सकते हैं आराम से एक और क्या भाई बहुत पावरफुल है ये गन सेकंड अभी ये शूट होगा बट यार थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सेकंड सबसे पहले तुम्हें बताऊँ ना आप लोग सिटी से बाहर आ चुके हैं अपना ना रास्ता थोड़ा सा थम चुका है जो टेंशन वगैरह थी थोड़ी सी थम चुकी है अभी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि अपन लोग सिटी से बाहर आ चुके हैं अब जैसन गए डेड मुझे लगता है डेड हो गए बट नहीं यार बट लेट्स गो गाइस ये रहने वाली है वीरा कैरन अपन को लेके आ चुकी है वीरा के पास कमेंट वी हेल्प यू मैम को Guess the donut breaks over. You've been hitting the sauce tonight, ma'am? No, sir. Are my eyes fooling me? Or am I looking at Vera Montello? Wife of the late Johnny Montello. Before your time. Scum of the earth, this guy. Used to run this town before he got whacked. As much as I'm enjoying this walk-down memory lane, ओके तो गाइस अपन ने फिलहाल के लिए उस वाले सीन को स्किप मार दिया क्योंकि मुझे कुछ भी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था फिलहाल अपन के लिए गेम ही आ चुके हैं
ओके अपन को गाड़ी में बैठना पड़ेगा सबसे पहले वीरा के साथ गाड़ी अपन लोग चलाने वाले हैं गाइस ओके लेट्स गो गाइस शुडंट वी गो टू द पुलिस अभी गाड़ी पूरी पूरी अपने अंडर है ड्राइविंग का तुम्हें पता होगा कि अपन कैसे ड्राइविंग करते हैं अभी जो भी सामने डाल दिया ना आएगा जल्दी और डाल दिया भाई आगे कोशिश तो मिलती आएंगे ये लोग एक बार के लिए हेलीकॉप्टर पीछे की साइड आ चुकी है अपने ऊपर यहाँ तेरी किस्मत भाई कितनी गंदी पुलिस है फिलहाल के लिए मैं बच चुका हूं आगे बहुत गंदा हो रहा है बट गाड़ी अपने पीछे नहीं है गाड़ी आगे की साइड है अपने पुलिस की गाड़ियां है क्या भाई जो क्या बंदा है फ्रैंक पूरी एक सेकंड यार आगे की साइड पुलिस ओए ये तो आराम से तोड़ देंगे अपन लोग पता नहीं यार वीरा भी बेचारी बोल रही है ये किसके साथ तुम अपन लोग आगे नहीं जा सकते अब बट अपन भी उसको बोल रहे की अपन जाके दिखाएंगे तुमको सो गाइस जंप देखना कितना गंदा वाला करेंगे अपन लोग उधर ओके अबे हट जाओ बस खेल खत्म लिए अपन लोग इधर से निकल चुके हैं आराम से सो गाइस अभी मुझे नहीं पता क्या बात होने वाली है मैं चाहता इधर अपन लोग स्किप मार देते हैं खत्म ओके कंटिन्यू डन अपन लोग गैंगस्टर वेगस सिटी में आ चुके हैं और अभी तुम्हें कुछ सीन साथ था जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ रहने वाला कि जो वीरा है ना जो वीरा है और फ्रैंक है ये आपस में बहुत गंदे वाले दुश्मन हैं ये मुझे तुम्हें तुम सोच रहे हो कि ये तुम्हें किसने बताया ये मुझे बताया मेरे एक दोस्त ने जिसका नाम है कैरन वो कल ही मेरी दोस्त बनी है बट अभी उसने मेरे को बता दिया फिलहाल के लिए तो मुझे पता चल गया और वैसे तो ये यार पहले दोस्त थे बट ये कुछ समय से काफ़ी गंदे वाले दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं अगर तुम्हें एग्जैक्टली बताऊं मैं तो सो अपन को सबसे पहले ना इधर वो छोड़ते हैं पीछे रह गया लूटा सबसे पहले इधर एक गन बाय कर लेते हैं क्योंकि $2,000 नहीं थे इसलिए अपन एक डायमंड में बाय कर देंगे अपन को इन लोगों ने 8 डायमंड दे रखे जो कि इधर ही ऐसे ही निकल जाएंगे जितना मुझे मालूम है ओके एक गाड़ी भी बाय करनी पड़ेगी देन ओ भाई 8 हीरो की एक गाड़ी खटारा थी इससे अच्छा भाई और कुछ ले लेता हूँ है कहाँ पे अपनी गाड़ी सबसे पहले मेरे को गाड़ी दो एक सेकंड ये पता नहीं क्या सीन है एक सेकंड ओके मैं रॉन्ग दे रहा नहीं मैं ओके गाइस फिलहाल तो मैं बता दूँ इधर क्या सीन रहने वाला है एक ईमैन का बंदा ईमैन नाम का बंदा है लिटरली यार तुम्हें सबसे पहले मैं आगे चल के सब कुछ गिराता हूँ अभी तो मैं सब कुछ बता देता हूँ वीरा ने अपन को बोला कि अगर तुम्हें अपनी जान से इतना सा भी प्यार है ना तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बन के रहना पड़ेगा कि अपन वो बोल रही है अपन को उसके साथ रहना पड़ेगा साथ क्या भाई अपन को उसकी रखवाली करनी पड़ेगी अपन को उसका बॉडीगार्ड बन के रहना पड़ेगा मुझे नहीं पता मैं तुम्हें जा पाया कि नहीं पर जितना मुझे मालूम था मैंने तुमको बता दिया कि अपन को उसके साथ ही रहना पड़ेगा अगर अपन को अपनी जान बचानी है तो क्योंकि फ्रैंक भाई बहुत गंदा वाला डोन है उससे बचना नामुमकिन है सो फिलहाल के लिए अपन लोग जा रहे हैं ईमैन के पास ईमैन तुम्हें मैं बता दूंगा कि कौन है वो आगे चल के बताऊंगा इधर मैं कुछ भी नहीं बताने वाला क्योंकि भाई सस्पेंस रहना है चाहिए भाई जरूर तो वीडियो छोड़ के चले जाओगे फिर मैं क्या करूँगा अपन लोग ईमैन से मीटिंग करने जा रहे हैं यार ज़्यादा मैं वो नहीं करने वाला मुझे लगता है ये ईमैन रहने वाला है Are you E-Man? Okay. Sometimes. Sure. Okay. Okay. E-Man not so much. ये काम मुझे मालूम है. हाँ गैस ये E-Man रहने वाला है. Right. एक मिनट से बात करा कर लेते हैं. Excellent timing. Okay. आप लोग इससे बोल रहे हैं कि मुझे वीरा ने तुम्हारे पास भेजा है. What? इसको स्किप मार देते हैं. नहीं यार. Terribly fast. Roaring in and out of nowhere. Unaboard. Wheels. Okay. छोड़ो ऊपर ने इसको स्किप मार दिया. Then ये अपन पता क्या करने वाला है.
अपन फिलहाल के लिए इसके पास पीछे जाने वाला है जी, अपन को लेके जाना है लेके जाने वाला है एक बंदे के पास, पता नहीं लेके जाने वाला है कि अपन इसको पकड़ने वाले हैं, पता नहीं क्या सीन रहने वाला है। मुझे लगता है अपन इसको पकड़ने वाले नहीं, इसको पकड़ने नहीं वाले शायद। हाँ हाँ मेरे को याद आ गया, केईमैन की गैंग के पास लेके जाने वाला है अपन को। ओके गाइस, ईमैन का कुछ सामान था जो कि इस बंदे ने छीना है, तो यार मुझे कुछ नहीं पता चला इसको स्किप मारना था, बस मुझे इतना मालूम है अपन को ना इस बंदे को पकड़ना है। वही भागना, वो भाग जाएगा फिर क्या करेंगे अपन लोग। अबे ईमैन भाग तू भी, उसको पकड़ भाई। भाई क्या कर रहा हूँ मैं भी, लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ने का अभी भी। कम ऑन क्या भाई यार, वो कितनी दूर निकल गया, मैं इतना पीछे रह गया भाई। भाई पुलिस है बदले मेरे को पहचान ना, अगर इन लोगों ने मुझे पहचान लिया ना मैं पकड़ा जाऊंगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इधर से निकल जाऊंगा right. और बैटरी लो चुकी है अगर तुम्हें एग्जैक्ट बताऊं तो। भाई ईमैन तो थक चुका है, ईमैन थक चुका है, अभी इसको ना अपन को ही पकड़ना पड़ेगा। भाई ये इधर निकल गया, एक्साइटमेंट भाई, अपन को भी जंप मार के जाना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता हम पीछे रह जाऊं। अपन इसको भागने नहीं देने वाले अभी आज। ओके भाई कदर किधर से जंप मार के गया भाई ये बंदा, भाई मैं नीचे गिर गया, किधर को गया भाई ये बंदा। एक सेकंड, इधर कुछ रास्ता था जो कि मुझे नहीं पता चला, मुझे लगता है। एक सेकंड दोबारा से जंप मारते हैं। अबे इधर क्या कर रहा है, चिप क्यों रहा है। ओके अपन लोग फिलहाल गली इधर आ चुके हैं, देन मुझे लगता है इधर से ही जाना पड़ेगा। ओके इधर से ही जाना पड़ेगा गाइस, बट वो इधर से ही था। मैं फालतू में भाई इधर बंदा खड़ा हुआ है, एक सेकंड इसको मैं पकड़ता हूं। ये भी थक चुका था बट ये अपन को देख के भाग चुका है फिलहाल के लिए। एक सेकंड मुझे ना इसको यहां पकड़ना पड़ेगा, कुछ भी करके बहुत तेज भागना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा ढीले हूं बस अभी। ओए भाई मुझे लगता है पुलिस मेरे लिए खड़ी है, कितनी गंदी पुलिस खड़ी हुई है इधर भाई। एक सेकंड सबसे पहले इसको पकड़ लेते हैं जिस काम के लिए अपन लोग। ओ सामने से ईमैन आ गया, अब इसका भागना कोई दम नहीं हो जाएगा। सबसे पहले इसकी मैं तुलाई करता हूँ, बैठ क्या सामान दे भी उसका, क्या आता तेरे पास। सबसे पहले इसकी अपन ने धमकियाँ वमकियाँ उड़ा देते हैं भाई, इसके मुँह से खून निकलने लग गया। ओके गाइस जो भी अपन ने काम किया, मुझे नहीं पता क्या किया ईमैन की, अपन ने इतना मुझे मालूम है ईमैन की अपन ने हेल्प किया, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। इसके अपन को कुछ पैसे मिले हैं, तो अब मुझे लगता है वीरा की कॉल आ रही है। ओके वीरा की कॉल आ रही है, मैसेज आ रहा है क्रश। ओ भाई वीरा दोबारा से अपन को जही बोल रहे, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना, तुम मेरे पास जल्दी आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। एक शर्त पे वो अपन की हेल्प करेगी अगर अपन लोग उसके बॉडीगार्ड बन के रहते हैं, बस इतनी बात है। इतना ही मैसेज आया था तो ओके सेकंड, ऑल दी रीच आउट। ओके दीप पैरामाउंट कैप्चर एंड देन जी अपन लोग पता नहीं क्या करने वाले हैं अभी। एक मिनट, तो गाइस इसको स्किप मारते सबसे पहले। सो गाइस फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा, तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो तुम्हें थोड़ी सी इतनी भी अच्छी लगती है ना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि सब कुछ करना फ्री होता है इसलिए कर देना। सो फिलहाल के लिए बाय बाय टाटा, सी यू गाइस, मिलते हैं एक और तगड़ी सी ब्रांड न्यू वीडियो में। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।